ये बार बार फोन कट क्यों कर रहा है? पोपटलाल पता नहीं बार बार फोन कट कर रहा है वो। कहीं कौन बनेगा करोड़पति में जाके? रवैया बदल तो नहीं गया ना पोपटलाल जी का? सेलिब्रिटी जो बन गए? अरे नहीं नहीं आशा जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काम में फंस गए होंगे ना, इसलिए लेट हो रहा होगा। अरे फंस गए रहेंगे तो फिर कभी आके मिल लेंगे। हाँ अभी चलते, चलो। रुके ना, वो आते ही होंगे। हाँ आप बैठे ना, आप बैठे। अरे भिड़े जी, वो यही सोसाइटी में रहते हैं ना? हाँ। बालकनी से आवाज देके बुला सकते हैं ना? हाँ। तो आपकी बालकनी किस तरफ है? वो उस तरफ। चलो आइए 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 ना, आइए आइए प्लीज आइए, आप लोग आइए। अरे वाह 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 भगवान, किसी ने सच कहा, आप जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। रिश्तों की लाइन लगी है आज। इनको हाथी भाई के घर पे बिठा के फिर भिड़े के घर जाता हूँ। वो पहली वाली फैमिली कब से मेरा इंतजार कर रही है। पोपटलाल जी। हाँ मैंने नहीं बुलाया। हाँ ऊपर। पोपटलाल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये भगवान, ये दोनों लड़की वाले आपने सामने आ गए, मेरी खुशी पर मेरी नजर लग गई है। नमस्ते पोपटलाल जी। नमस्ते। अरे पोपटलाल जी, हम आपका कब से इंतजार कर रहे। अरे तुम वहाँ पे क्या सोचते हुए खड़े हो, चलो आओ ऊपर। हाँ आ रहा हूँ, बस दो मिनट। पोपटलाल जी जरा प्लीज जल्दी ऊपर आइए, मेरी बेटी की शादी के सिलसिले में मुझे आपसे बहुत सारी बात करने। हाँ मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग अंदर बैठे हैं, वो आता ही होगा। चल चल आइए। शादी की बात वहाँ भी चल रही है? लगता है आप बहुत बिजी है। हम लोग निकलते, आप उनसे बात कर लीजिए। नहीं 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 नहीं, रुके रुके, आपको कुछ गलत फहमी हो रही है। वो जो अंकल अभी अंदर गए ना, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उनको दौरे पड़ते हैं। वो किसी को भी अपना होने वाला दामाद समझ के उससे शादी की बात करना शुरू कर देते हैं। ओ बिचारे। लेकिन वो है कौन? वो मेरा दोस्त है भिड़े, और वो जो अंदर गए वो उसके पिताजी है। मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर सिमरन, दिमाग की डॉक्टर है, उनके पापा का इलाज अच्छे से करेगी, उनको बता देती हूँ। भिड़े जी, पोपटलाल जी ने बताया कि आपके पिताजी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। आए, अरे नहीं नहीं नहीं, आपको फिर से गलतफहमी हो रही है। वो जो अभी अंदर गए ना, वो इनके पिताजी नहीं है, इनकी पत्नी है माधवी भाभी, उनके पिताजी हैं, मतलब इनके ससुर जी हैं। अच्छा तो आपके ससुर जी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो आप उनको डॉक्टर सिमरन को दिखा दीजिए। ये पहले पिता फिर ससुर का चालक है। पोपटलाल कौन है ये लोग? मैं ऊपर आके सब समझाता हूँ, प्लीज। देखिए आप अपने ससुर जी को डॉक्टर सिमरन को दिखाइए, बहुत अच्छी डॉक्टर है। मेरी बीवी का इलाज भी उसी ने किया था। इसे देख के कोई बोलेगा कि इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी? हा? चालने का पोपटलाल सर, कैसी अजीब अजीब बातें कर रहा है, लगता है कोई झमेले में फंसा है। अभी चुप रहता हूँ, बाद में बात करता हूँ इससे। हाँ ठीक है, मैं दिखा दूंगा अपने पिताजी को। ससुर जी को? हाँ वही माधवी के पिताजी को, बरोबर ना? मैं पोपटलाल जी के हाथों डॉक्टर सिमरन का नंबर भिजवा दूंगी। हाँ ठीक है, पोपटलाल को भी जल्दी भिजवा दो। अरे हाँ हाँ भिजवा देंगे, आइए ना चलिए हम डॉक्टर हाथी के घर चलते हैं। ए छुर हुट हुट हुट, दूर हट मेरे सकराम से, उड़ जा, हुट हुट। ए ये किससे बात कर रहे हैं, और ये सखाराम कौन है? ये रहा, वो भी देख रहा है। हाँ यही तो खड़ा है। अरे हाँ सॉरी, वो क्या है, ये स्कूटर है ना,
उससे बात कर रहा है। स्कूटर का नाम रखा है सखाराम। अरे पूरा गंदा कर दिया तुम्हें सखाराम कौवे ने। टेंशन मत लो, शैंपू से नहलाऊंगा तुम्हें। हां बोलो, स्कूटर का भी नाम रखा है, उससे बातें भी करता है। भिड़े जी, अगर हो सके तो आप भी डॉक्टर सिमरन को दिखा दीजिएगा। क्यों? दिखा देगा, दिखा देगा। काश बाल बाल बच गया, पर ना भी भांडा फूट जाता। बस आपसे अब एक ही रिक्वेस्ट है कि दोनों लड़की वालों को आमने सामने मत आने देना। आइए चलिए डॉक्टर हाथी के घर चलते हैं। आइए ना, आइए 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 आइए।